हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आरण्यक सीरीज का, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। तो बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में, तो ये एक बहुत अच्छी क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसमें कि आपको काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने मिलेंगे। पहले ही बता दूं, इस सीरीज में काफी सारे कैरेक्टर्स है, तो एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं एक ही वीडियो में इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा, अगर नहीं हो पाया तो मे बी इसका दूसरा पार्ट भी आ सकता है। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं एक स्कूल में कुछ बच्चों का प्ले हो रहा था, और यहाँ पे हम देखते हैं अंगद को, और ट्रिक करके इसके बच्चे को कोई किडनैप करके वहां से ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि ये अंगद का 5 साल पुराना फ्लैशबैक है। फिर अंगद के बच्चे के साथ क्या हुआ हमें आगे पता चलेगा। तो कहानी 5 साल बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीरो नामे अंगद आज नए SHO ये अपॉइंट हुए हैं, और उनकी जो प्रीवियस SHO थी वो है कस्तूरी, और कस्तूरी यहाँ पे 1 साल की छुट्टी पर है। उनके जगह यहाँ पे अंगद आए हैं, और यहाँ पे हम कस्तूरी की फैमिली को देख पाते हैं। उनकी एक बेटी नूतन और उसका एक बेटा भी था, और उसके पति हरि ये एक इंटरनेट कैफे चलाते हैं, और उनका ससुर महादेव ये भी पुलिस में थे। और यहाँ पे वो अपने पोते को नरतेंदुआ की कहानी सुनाते हैं, और यहाँ का लोकल लेजेंड ये है कि एक नरतेंदुआ है जो कि हर चंद्रग्रहण रात को बाहर निकलता है शिकार करने के लिए, और उसके पास कुछ जादुई गुच्छी भी है जिसको खाके वो हमेशा जिंदा रह सकता है। और हालांकि किसी ने इस नरतेंदुआ या वो गुच्छी जादुई गुच्छी को भी नहीं देखा है। और यहाँ पे हम देखते हैं नूतन किसी बंटी नाम के एक लड़के के साथ चैट करते रहते हैं, और कुछ देर बाद उसको वो प्राइवेट वीडियोस भी भेजती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं कस्तूरी, इनका लास्ट डे था आज क्योंकि कल से वो छुट्टी में है। और यहाँ पे हम देखते हैं जूली नाम की एक लड़की आई है, वो कंप्लेन करती है कि उसकी डॉक्टर एमी कल रात से ही मिसिंग है। यहाँ पे छानबीन करने के बाद जूली के पास कुछ ड्रग्स मरामद होता है, सो यहाँ पे ये लोग जूली को अरेस्ट करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं जगदम्बा को, जो कि इस इलाके की MP थी, और उसका बेटा कांति। और यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि कांति 1-2 साल जेल में भी रह चुका है, उसके ऊपर रेप का एलिगेशन है, और कल रात कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके लिए जगदम्बा उसके ऊपर चिल्ला रहे है और बोल रहे है कि उसका पैरोल कैंसिल करके उसको वापस जेल भेज देगी। और यहाँ पे हम देख पाते हैं इनके सर्वेंट नंदन को, तो जगदम्बा के कहने पर नंदन ने कांति के गाड़ी में जितने भी सब सबूत थे वो सब मिटा दिए हैं। ओके, तो क्या हुआ है हमें आगे पता चलेगा। और वो तुरंत कलेक्टर अशोक को फोन लगाते हैं, और यहाँ पे हम अशोक के फैमिली के बारे में देख पाते हैं। अशोक का एक बेटा था जिसका नाम होता है गगन, और उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि गगन और कांति ये लोग दोस्त है, और कल रात ये होटल बॉम्ब गए थे, और यहाँ पे होटल बॉम्ब में कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि ये लोग छुपा रहे हैं। फिर अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं इस एरिया के और एक MP को जिसका नाम होता है कुबेर, और यहाँ पे हम देखते हैं उसकी बेटी नीलिमा की एंगेजमेंट हो रहा था रवि के साथ। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कुबेर अपने PA से बात करते है वही होटल बॉम्ब के बारे में, मतलब कल रात जो भी हुआ वो इस कुबेर और इनके आदमियों को भी पता है। फिर हम देख पाते हैं बंटी को, जो कि यहाँ का लोकल गाइड था, और उसके पापा को कैंसर हुआ था, सो वो उनकी देखभाल कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं महादेव और कस्तूरी ये लोग जंगल में थे, और महादेव को ऐसा लग रहा था कि वो नरतेंदुआ आसपास ही है। और यहाँ पे हम लोग एक बॉडी को देख पाते हैं जो कि टंगा हुआ था, और यहाँ पे हम जान पाते हैं ये एमी की बॉडी है, और इसको देख के महादेव जी बोलते हैं कि ये नरतेंदुआ ने किया है। और थोड़ी देर में अंगद और उनकी टीम को बुलाया जाता है, और अंगद यहाँ पे उस नरतेंदुआ वाली कहानी पे बिलीव नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे कस्तूरी और महादेव जी अपने घर लौट रहे थे। कस्तूरी यहाँ पे महादेव से बोलती है कि वो ये केस लेना चाहती है क्योंकि इतने सालों में इतना बड़ा केस यहाँ पे नहीं हुआ है, और वो इस केस को अगर सॉल्व करेगी तो उनका प्रमोशन बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ पे महादेव जी भी बोलते हैं कि 19 साल पहले बिल्कुल ऐसा ही केस हुआ था, नरतेंदुआ ने कुल 9 लड़कियों का बलात्कार किया था और उसको ऐसे ही फांसी लगा दिया था, और 19 साल बाद ये सब फिर से शुरू चुका है। यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है, चलते हैं एपिसोड 2 की तरफ। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है अंगद का, और यहाँ पे हम जान पाते हैं 5 साल पहले अंगद ने एक बड़ा सा ड्रग रॉकेट को एक्सपोज किया था, और ओमी नाम के एक बंदे के भाई को गिरफ्तार किया था। और उसके बाद जो स्कूल वाला सीन हुआ उसके बाद है, मतलब ओमी ने अंगद के बच्चे को किडनैप कर लिया। फिर आगे क्या हुआ हमें आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। फिर यहाँ पे कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, और एमी के मर्डर के दिन ये लोग कैफे सिरोना गए थे, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए अंगद और कस्तूरी ये लोग कैफे से रोना जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं गोविंद और उनकी पत्नी रेवा को, सो पूछताछ करने पर गोविंद यहाँ पे बताता है कि जाते टाइम जूली ने एमी को एक जबरदस्त थप्पड़ मारा था, इसलिए एमी यहाँ पे गुस्से में यहाँ से निकल गई। और यहाँ पे हमें पता चलता है जूली के एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम होता है सुंदर, उसके बाद क्या हुआ उन लोगों को नहीं पता। सो अंगद यहाँ पे पूछता है कि आपके यहाँ CCTV है कि नहीं, क्योंकि जूली जिस लॉज पे रह रही थी उस रास्ते से होटल बॉम्ब के रास्ते के बीचों बीच इन लोगों का कैफे आता है, तो एमी अगर इस रास्ते
से कही होगी तो जरूर इन लोगों के सीसीटीवी में कैप्चर हो गया होगा। बट गोविंद यहाँ पे बोलता है कि उन लोगों के पास सीसीटीवी नहीं है। यहाँ पे अंगद गोविंद के ऊपर थोड़ा बहुत शक कर रहा था क्योंकि गोविंद ऐसे बात कर रहा था जैसे मानो कि वो कुछ छुपा रहा है। फिर ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि इस केस में छानबीन कर रहा था, और वो बोलता है कि एमी के मरने से पहले उसके साथ रेप हुआ था और उसके गर्दन पे एक चोट का निशान है जो कि किसी जंगली जानवर का है, और वही नर तेंदुआ वाली बात बोलता है। तो ये सुन के अंगद भड़क जाता है उसपे। अभी सिंसिप्टो के हम देखते हैं कुबेर और उसके होने वाला दामाद रवि ये लोग कुछ इन्वेस्टर से मिल रहे थे क्योंकि इस जगह पे एक होटल बनने जा रहा था जो कि कुबेर रवि को गिफ्ट करेगा। लेकिन रवि पता नहीं क्यों एमी की मरने की बात सुन के वो बहुत डिस्टर्ब है। फिर अंगद यहाँ पे होटल बॉम्ब जाता है पूछताछ करने के लिए, और मैनेजर से हमें पता चलता है कि एमी मर्डर वाली रात होटल बॉम्ब में आई थी और मैनेजर ने उसे कांति के साथ देखा है, और तो और कांति ने उस रात एक रूम भी बुक किया था। यहाँ पे फोन आता है और ये लोग सुंदर का पता चल जाता है और ये लोग सुंदर को पकड़ लेते हैं, और सुंदर से हमें पता चलता है कि उस दिन एमी और जुली का झगड़ा हो गया था और किसी अननोन नंबर से उसे फोन आया जल्द से जल्द होटल बॉम्ब आ जाओ। तो ये उस दिन होटल बॉम्ब गया था और वहाँ पे इसने कांति को भी देखा है। इधर से वो एमी को लेके जा ही रहा था, कुछ गुंडे आके उससे जबरदस्ती करते हैं, एमी को इधर छोड़ के जा नहीं तो तेरे को मार डालेंगे ऐसा उसे धमकाने लगते हैं। तो वो एमी को उनके यहाँ छोड़ के अपनी जान बचा के भाग रहा है। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुंदर को कोर्ट ले जा रहे थे, लेकिन ले जाते टाइम ही कोई सुंदर की गर्दन काट देता है और वहीं पे सुंदर मर जाता है। यहाँ पे एक आदमी भाग के जा रहा था तो इसका पीछा करने के लिए अंगद भी उसके पीछे पीछे भागता है, और यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म होता है। चलते हैं एपिसोड 3 की तरफ। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं अंगद उस व्यक्ति के पीछे पीछे भाग रहा है, लेकिन वो व्यक्ति खिड़की के थ्रू वो खुद के भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे गोविंद भी छुपा हुआ था, तो गोविंद को ये लोग पूछताछ करते हैं, और गोविंद यहाँ पे बोलता है कि वो भी उस नर तेंदुए के पीछे भागा था और उसने उसका पंजा देखा है, मुंह नहीं देख पाया लेकिन उसका वो पंजा देखा है। फिर ये लोग जगदम्बा के घर जाते हैं पूछताछ करने के लिए क्योंकि कांति और गगन ये दोनों भी उस रात को होटल बॉम्ब गए थे। उसके बाद ये लोग गगन को पूछताछ करने जाते हैं और गगन यहाँ पे बोलता है कि कांति बस उस रात को एमी के साथ डांस कर रहा था। थोड़ी देर बाद ये लोग अपने अपने घर चले गए, इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं पता, और गगन की भी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। फिर ये लोग कांति से भी पूछताछ करने जाते हैं और उसका भी सेम स्टेटमेंट होता है, और यहाँ पे ये लोग होटल बॉम्ब फिर से जाते हैं और यहाँ पे कांति जो कमरा बुक किया था उस रात को उसको चेक करने लगते हैं, और यहाँ पे उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन अंगद यहाँ पे डिसाइड करता है कि फॉरेंसिक टीम को यहाँ पे भेजेगा। फिर सुंदर की भी फॉरेंसिक रिपोर्ट आता है, और यहाँ पे भी मेंशन था कि गले में जो घाव है वो किसी जंगली जानवर का है। यहाँ पे महादेव जी भी आते हैं और बोलते हैं कि ये नर तेंदुआ वाली घटना तो सालों से है, लेकिन 19 साल पहले जो 9 लड़कियों की कत्ल से पहले रेप हुआ था उन लोगों के साथ, वो वाले केस और ये वाले केस कुछ सिमिलर लग रहा है, और उनको भी ऐसा लगता है कि ये किसी आदमी का काम हो सकता है। और 19 साल पहले जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो नर तेंदुआ ने उनके ऊपर हमला किया था और गले में उनका भी ऐसा सेम निशान है। तो अंगद यहाँ पे बोलता है कि ये एक सीरियल किलर है जो कि इन लोगों का जो लोकल लेजेंड है यानी कि नर तेंदुआ वाली बात को लेके वो लोगों को मार रहा है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं अंगद यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रहा था और वो देखता है कि रेवा अपने ही कैफे के सामने एक कैमरा छुपा के रखी है। तो रेवा को पूछने पर वो बोलती है कि उसको ऐसा लगता है कि उसके पति यानी कि गोविंद का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो ये कैमरा रखी है वहाँ पे। तो फुटेज चेक करने पर अंगद देखता है कि उस रात को एमी अकेले ही कहीं पे बाहर गई और वो बंटी के साथ स्कूटी पे होटल बॉम्ब गई। यहाँ पे एपिसोड 3 खत्म होता है। चलते हैं एपिसोड 4 की तरफ। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें फिर से अंगद का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो वो अंगद को बच्चे को किडनैप करने के बाद उमी ये डिमांड करता है कि ये लोग उसके भाई को और जितने भी ड्रग्स ये लोग मरामद किए थे उसको उमी के पास लौटा दे। तो अपने बेटे को बचाने के लिए अंगद ऐसा करता है, लेकिन अंगद का ऐसा प्लान था कि वो अपने बेटे को पहले बचाएगा उसके बाद उन दोनों को वहीं पे मार देगा। लेकिन उमी यहाँ पे ट्रिक करके वहीं पे आग लगा देता है, और वो एक टाइगर का मास्क पहना था। जाते टाइम वो मास्क उतरता है और उमी का चेहरा हम नहीं देख पाते हैं। अभी फ्लैशबैक एंड होता है। अभी हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कस्तूरी और अंगद ये लोग वही सीसीटीवी देख रहे थे, और कस्तूरी यहाँ पे बताती है कि ये तो बंटी है यानी कि वो उसको पहचान जाती है। तो ये लोग सीधे जाते हैं बंटी के घर की तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं वो यहाँ पे पहुंचे उससे ही थोड़ी देर पहले कोई बंटी के घर पे आके उसको उठा के ले जाता है। तो अंगद यहाँ पे बोलता है कि ये सीसीटीवी वाली बात वो और कस्तूरी रेवा और उन लोगों के सीनियर ऑफिसर को ही पता है। तो ये लोग यहाँ पे उसके सीनियर ऑफिसर के ऊपर शक करने लगते हैं, और यहाँ पे हम एज ए व्यूअर देख पाते हैं उन लोगों के सीनियर ऑफिसर कुबेर के साथ मिला हुआ है, मतलब केस में जो भी चल रहा है वो सारी डेटा वो कुबेर को देता है। और यहाँ पे वो काइंड ऑफ अंगद को फोर्स कर रहा था कि जल्द से जल्द ये केस वो लोग क्लोज करे, बंटी के नाम पे ये लोग केस क्लोज करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद बंटी अपने आप से ही पुलिस स्टेशन आता है और बोलने लगता है कि उसने ही एमी का रेप किया है और मर्डर किया है, और ऐसा लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है और किसी के दबाव में
आके ये सब बोल रहा है। इधर सीन शिफ्ट के हम देखते हैं कस्तूरी की बेटी नूतन को किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है कि वो जो प्राइवेट वीडियो उसने बंटी को भेजा था उसी वीडियो को वायरल कर दे, ऐसा ब्लैकमेल वाला मैसेज आता है। और उससे ये मैसेज आता है कि अगर बंटी उस दिन उसके साथ था ये किसी को पता चली तो इनका वीडियो ये लोग वायरल कर देंगे, मतलब कोई जानबूझ के यहाँ पे बंटी को फंसा रहा है। अभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं कुबेर यहाँ पे अशोक से मिलता है और उसको कुछ ऐसा बोलता है कि हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन ये बात सुन के अशोक डर जाता है। तो वो क्या बोलता है हमें आगे पता चलेगा। इसीलिए अशोक यहाँ पे कुछ देर बाद जगदम्बा के साथ एक मीटिंग करता है और उसे बोलता है कि वो जो प्रोजेक्ट मतलब कुबेर जो यहाँ पे होटल चलाने का प्लान कर रहा है ये प्लान जगदम्बा की वजह से ही रुका है। तो अशोक यहाँ पे उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो जल्द से जल्द इस प्लान को अप्रूव कर दे, लेकिन जगदम्बा यहाँ पे साफ साफ मना कर देती है। अभी हम देखते हैं बंटी के फादर उससे मिलने आए थे और उसके जाने के बाद महादेव जी उससे मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि उन्हें बंटी को बेकसूर साबित करने के लिए उनका मदद करना पड़ेगा। और महादेव भी यहाँ पे चाहते थे कि वो पुराना पुलिस स्टेशन जाए और वहाँ पे कुछ फाइल्स है उसको वो वापस से देखना चाहते थे। और यहाँ पे हम देखते हैं बंटी के फादर के जरिए महादेव जी पुराने पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे एक फांसी का फंदा उसको ले आते हैं, मतलब 19 साल पहले जो फंदा एज एन एविडेंस वहाँ पे था उसको ले आते हैं। फिर अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं रवि बहुत सारे पैसे लेके जूली से मिलने गया था और ये बात वहाँ पे जो फोटोग्राफर्स थे जो कि शादी के लिए आए थे वो लोग इसका वीडियो ले लेते हैं। यहाँ पे एपिसोड 4 खत्म होता है, चलते हैं एपिसोड 5 की तरफ। अभी ये लोग जूली के फोन रिकॉर्ड सब चेक कर रहे थे और यहाँ पे उन्हें एक अननोन नंबर से बहुत बार कॉल आया था, सो वो किसका है ये लोग पता करने के लिए फोन कंपनी को ये लोग बोलते हैं। अभी अंगद और कस्तूरी का जो सीनियर ऑफिसर था वो उनको रवि की शादी के लिए न्योता देने आया था। अभी हम देखते हैं रात को ये लोग रवि के मैरिज पार्टी अटेंड करने जाते हैं और यहाँ पे भी कुबेर उन लोगों से बात कर रहा था कि जो बंटी पकड़ा गया है उसी को सजा दे के केस को रफा दफा कर दे, इस टाइप का वो इनडायरेक्टली उन लोगों को बोल रहा था। तो थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं वही तो मैरिज फंक्शन वाले फोटोग्राफर बोलते हैं कि उन लोगों के पास कुछ ऐसा सबूत है वो नेक्स्ट डे उन लोगों को दिखाएंगे, इससे बदले उन लोगों को बंटी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चाहिए। ऐसा सब बातचीत कर ही रहे थे तभी अंगद यहाँ पे उम्मी को देखता है, वही उम्मी जो कि 5 साल पहले उसके बेटे को किडनैप कर दिया था। तो उम्मी भी वहाँ पे अंगद को देख लेता है और 1 सेकंड में ही वो भाग जाता है। यहाँ पे एपिसोड 5 खत्म होता है, चलते हैं एपिसोड 6 की तरफ। यहाँ पे अंगद उम्मी के बारे में कुबेर को पूछ रहा था तो कुबेर यहाँ पे बोलता है कि उससे कुछ नहीं पता और कुबेर का पीए यहाँ पे बोलता है कि वो तो कुचर के पास खड़े थे, मतलब वो जिस व्यक्ति के साथ बात कर रहे थे उसका नाम कुचर है। तो कुचर का नाम सुन के कुबेर थोड़ा डर जाता है और बोलता है कि यहाँ पे उसकी बेटी की शादी हो रही है तुम बखेड़ा मत खड़ा करो, और काइंड ऑफ वो बात को दबा देना चाहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं एक एक गाड़ी अंगद और कस्तूरी ये लोग चेक कर रहे थे ताकि उम्मीद इधर से भाग ना सके। फिर अंगद कस्तूरी को वो सारी पुरानी बात बताने लगता है, उनके बेटे के जाने के बाद उसका और उसकी पत्नी का डिवोर्स हो गया और सारी पुरानी बात बताने लगता है। अभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं वही दोनों रिपोर्टर यहाँ पे रवि वाली वीडियो उन लोगों को दिखाते हैं तो ये लोग जाके रवि को अरेस्ट करते हैं। और यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत स्टोरी पता चलता है, रवि यहाँ पे बोलता है कि इमी उसकी और जूली की बेटी है, ये लोग बहुत सालों पहले फ्रांस में पहली बार मिले थे और इनके बीच हो गया था। यहाँ पे जूली प्रेग्नेंट हो गई और रवि ने उसको पैसे दिए अबोसन के लिए, लेकिन जूली यहाँ पे पैसे तो ले ली लेकिन अबोसन नहीं की। और इतने सालों में ये सब बातें रवि को नहीं पता था, यानी कि रवि सोचता था कि जूली ने अबोसन कर दिया है। और इतने सालों बाद जब रवि को ये बात पता चला कि उसकी एक बेटी है तो वो एमी से मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जूली रवि से बोलती है कि उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए नहीं तो वो ये सारी बात सब लोगों को बता देगी और रवि का नाम खराब हो जाएगा। तो रवि यहाँ पे बोलता है कि उसे कुछ वक्त चाहिए पैसा अरेंज करने के लिए। तो ये सारी बात यहाँ पे एमी सुन लेती है और नेक्स्ट डे उसका उसके मम्मी के साथ झगड़ा हो जाता है और वो होटल बम इसीलिए जाना चाहती थी कि वो जाके रवि से बोल सके कि उसको ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे बनाने के लिए। इसीलिए उस रात एमी रवि से मिलने ही होटल बॉम्ब गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं रवि कुचर और कुबेर ये लोग यहाँ पे थे मतलब होटल बॉम्ब में, और यहाँ पे ये लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे कि ये जो नया होटल ये लोग बनाने जा रहे हैं उस पे कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और कुबेर यहाँ पे कुचर से बोल रहा था यानी कि उम्मी से बोल रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स यहाँ पे सप्लाई करे ताकि उनका भी बिजनेस बड़ा हो और ये जो होटल खुलने जा रहे हैं वहाँ पे भी बिजनेस बड़ा हो। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रवि जब कमरे से निकलता है तब एमी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और वो रवि को पापा कह के बुला देती है सबके सामने। ये बात यहाँ पे कुबेर सुन लेता है तो रवि को सारी बात कुबेर से बोलना पड़ता है और कुबेर यहाँ पे उसको बताता है कि अगर जल्द से जल्द ये सब सेटल नहीं हुआ तब तो जूली और एमी बार बार उसको ब्लैकमेल करती रहेगी, इसीलिए वो इस लड़की का कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा कह के रवि को बोलता है तुम घर जाओ हम सब देख लेंगे। तो रवि जाते टाइम सुंदर को फोन कर देता है, मतलब जो अननोन
नंबर से उस दिन कॉल आया था वो रवि का था। उसके बाद रवि वहां से चला गया, उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता, पर नेक्स्ट डे जब एमी की मौत की खबर सब सुना वो बहुत डिस्टर्ब हो चुका है और वो खुद को गिल्टी मानता है। यहाँ पे ये लोग फाइनली बंटी के कॉल लेकर सब चेक कर रहे थे तो यहाँ पे अंगद को नूतन का नंबर बार बार मिलता है, मतलब बार बार उसके नंबर पे कॉल हुआ है। यहाँ पे एपिसोड 6 खत्म होता है, चलते हैं एपिसोड 7 की तरफ। यहाँ पे वो लोग बंटी को पूछताछ करने लगते हैं और यहाँ पे हमें और भी थोड़ा स्टोरी पता चलता है। बंटी यहाँ पे बोलता है कि उस रात को वही एमी को होटल बॉम्ब लेके गया था और यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे तो थोड़ी देर बाद कांति वहाँ पे आ जाता है और वो एमी को उसके साथ डांस करने के लिए प्रपोज करता है। कांति यहाँ पे बंटी को धमकाता है इधर से चली जाए, तो बंटी वहाँ से चला जाता है और नूतन और उसकी बात वो कस्तूरी को बताता है तो कस्तूरी एक जोरदार थप्पड़ उसको लगाती है और यहाँ पे बोलता है कि उस दिन जब कस्तूरी और अंगद ये लोग उसके घर आए थे उससे थोड़ी देर पहले कुबेर के आदमी छोटू ने बंटी को घर से उठा लिया, क्योंकि कुबेर को पहले से ही अंगद और कस्तूरी के सीनियर ऑफिसर ने बता दिया था। तो कुबेर ने अपने आदमियों को भेजा और बंटी को धमकाया और बंटी का फोन लेके ये लोग जबरदस्ती देखने लगते हैं और यहाँ पे उन लोगों को नूतन वाली वीडियो मिलता है और इस केस पे वो डॉक्टर भी मिला हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं एमी के शरीर से जिसका भी सीमेन सैंपल मिला है उसको ये लोग डॉक्टर को बोलते हैं कि चेंज करो, इस जगह पे बंटी का सीमेन सैंपल डाल देते हैं ताकि रिपोर्ट में ऐसा है कि बंटी ने ये सब किया है। और बंटी को ऐसा धमकाते है कि अगर वो अभी जाके सरेंडर नहीं करेगा तो ये वीडियो भी वायरल करवा देंगे और उसके बाप को भी मार डालेंगे, इसलिए बंटी यहाँ पे उस दिन अपने आप से ही पुलिस स्टेशन आया था और सरेंडर किया था। यहाँ पे अंगद कस्तूरी को संभालता है और बोलता है कि वो वीडियो कभी वायरल नहीं होगा, उसको वो नेट से डिलीट करवा देगा, साथ ही साथ वो किस आईपी एड्रेस से अपलोड हुआ था वो भी ट्रैक करने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद अंगद को पता चलता है कि ये आईपी एड्रेस हरी के इंटरनेट कैफे वाला है, तो ये लोग हरी को लेके उसके कैफे जाते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस दिन छोटू आया था कैफे का कंप्यूटर यूज करने के लिए, लेकिन तब हरी को ये बात पता नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये लोग ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि कुबेर के आदमी बंटी को क्यों फंसाना चाहते थे और ओरिजिनली जिसने भी रेप किया है उसको बचाना क्यों चाहते थे। अभी ये लोग फिर से जाते हैं कांति के पास और साथ ही साथ ये लोग गगन को भी पूछताछ करने के लिए बुला देते हैं। गगन यहाँ पे बोलने लगता है कि कांति ने ही सब कुछ किया है, तो गगन के ऊपर शक जाता है इसीलिए ये लोग गगन का भी सीमेंट सैंपल ले जाते हैं। अभी सीन शिफ्ट के हम देखते हैं रवि यहाँ पे नीलिमा को सब कुछ बता देता है, मतलब एमी उसकी बेटी है ये सब कुछ बता देता है। अभी सीन शिफ्ट के हम देखते हैं गोविंद जी की वाइफ यानी कि रेवा, वो गोविंद का बैग चेक करती है और उसे एक फांसी का फंदा मिलता है जैसा सेम फांसी का फंदा वो उस लड़की को मारने के लिए मतलब एमी को मारने के लिए यूज हुआ था, तो ये देख के वो सोचती है कि गोविंद ने उसको मारा है। यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं महादेव जी और एक पुलिस स्टेशन गए थे और वहाँ पे उनको कुछ तो ऐसा मिलता है जो कि हमें एपिसोड 8 और लास्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो सीधे चलते हैं लास्ट एपिसोड की तरफ, यहाँ पे पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। तो एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं ये लोग सबसे पहले गोविंद को पकड़ते हैं और गोविंद यहाँ पे बताने लगता है कि वो हर चंद्र ग्रहण के रात को वही नर तेंदुआ का शिकार करने के लिए हमेशा निकलता है, इसीलिए वो अपने साथ एक गन और एक फांसी का फंदा हमेशा लेके निकलता है, क्योंकि 19 साल पहले गोविंद ने जिसको प्यार किया था उसका बलात्कार ये नर तेंदुए ने किया था और उसको मार भी दिया था, इसलिए बदला लेने के लिए वो हर बार इस नर तेंदुए को ट्रैक करता रहता है और चंद्र ग्रहण ये जंगल जाता है, इसीलिए उसके बैग से वो फांसी वाला फंदा मिला है, उसका एमी के कत्ल के साथ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कुबेर ने अपने 3 आदमियों को यानी कि छोटू और 2 आदमियों को भेजा था कस्तूरी के घर नूतन को किडनैप करने के लिए और ये लोग किडनैप कर रहे थे, वहाँ पे कस्तूरी के पति यानी कि हरी आ जाते हैं और उसके ऊपर हमला करने लगते हैं और वहाँ पे बंटी भी आ जाता है उसी टाइम, क्योंकि थोड़ी देर पहले नूतन ने बंटी को बुलाया था तो बंटी यहाँ पे मिलने आया था। यहाँ पे वो देखता है कि ये लोग उसके ऊपर हमला कर रहे हैं तो बंटी यहाँ पे गुस्से में आके इन लोगों को मारता है और ये लोग सक्सेसफुली छोटू और वो 2 लोगों को कैप्चर कर देते हैं और सीधे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गगन का सीमेन सैंपल मैच हो गया था तो कस्तूरी यहाँ पे 2 चाटे गगन को मारती है तो गगन यहाँ पे सच बोलने लगता है, तो यहाँ पे हमें और भी थोड़ा स्टोरी पता चलता है। सो दरअसल ये लोग दोनों ही एमी को एक कमरे में लेके गए थे और एमी के ड्रिंक में पहले से ही कांति ने ड्रग्स मिला लिया था, कांति यहाँ पे उसके साथ जबरदस्ती करने जा रहा था तभी एमी बेहोश हो जाती है और ये देख के कांति उस कमरे से चला जाता है और कमरे के बाहर जाते ही वो और भी कुछ लड़कियों साथ मिलने लगता है और गगन को बोलता है आज तो स्कोर करना पड़ेगा नहीं तो मर्द नहीं बन पाएगा, तो ये बात तू क्या समझेगा, तू तो एक स्कॉलर है। तो ये बात सुन के गगन के रुई दना से छोटा वाला ईगो हर्ट हो जाता है तो वो पहले तो जाके एमी का जबरदस्ती रेप करता है और बाहर उस कमरे से ऐसे निकलता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और ये सारी बात वो कांति को नहीं बताता। लेकिन कमरे में बाहर आते टाइम कुबेर का आदमी छोटू उसे देख लिया था तो कुबेर एक प्लान बनाता है, कुबेर यहाँ पे छोटू से
बोलता है कि ये लोग एमी को मार डाले और गगन का जो सीमेन सैंपल था उसको भी हटा दे। उसके बाद ये लोग गगन के पिता यानी कि अशोक को ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि अशोक और जगदम्बा की वजह से उन लोगों का होटल का प्रोजेक्ट रुका हुआ था, अप्रूवल नहीं मिल रहा था, इसलिए वो लोग ऐसा ही करते हैं। और कुबेर यहाँ पे एपिसोड 3 या 4 में जो दिखाया था, कुबेर यहाँ पे अशोक को ब्लैकमेल कर रहा था। और तो और कुबेर यहाँ पे वो छोटू को बोलता है कि एमी को मार के उसको कांति के गाड़ी में डाल दे और कांति यहाँ पे फंस जाएगा, क्योंकि कांति के ऊपर ऑलरेडी एक रेप का चार्ज लगा हुआ है, तो पुलिस के लिए आसानी होगा, उसके ऊपर और एक चार्ज लग जाएगा रेप और मर्डर का, और कांति की माँ यानी कि जगदम्बा उसको एमपी पद से निकाल दिया जाएगा, और इन लोगों के होटल के लिए जो अप्रूवल नहीं मिल रहा है वो प्रॉब्लम भी फिनिश हो जाएगा। सो यहाँ पे ये लोग छोटू को उठाते हैं और छोटू यहाँ पे बोलने लगता है कि उसने सिर्फ एमी को उस दिन मार के कांति के गाड़ी में डाल दिया था, पर पता नहीं कैसे एमी की बॉडी जंगल में एक पेड़ पे लटका हुआ मिला, उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे कुबेर को पता चल चुका है कि छोटू को पुलिस उठा के ले गई है और सब सच सामने आ जाएगा, इसलिए ये लोग इंडिया छोड़ के नेपाल जाने का तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं रवि और नीलिमा ये लोग एक्टिंग करके बोलते हैं कि हम लोग बाद में आएंगे, आप चलो। और उनके जाने के बाद रवि सारा प्लान, मतलब वो नेपाल के रास्ते से जाने वाले हैं, ये सारी बात वो अंगद को बोल देता है ताकि अंगद की टीम जल्द से जल्द कुबेर को पकड़े। और यहाँ पे और एक ट्विस्ट आता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है वो जो नर तेंदुआ 19 साल पहले लड़कियों का रेप करके उसको मार दिया करता था, वो और कोई नहीं बल्कि जगदम्बा की नौकर नंदन है। और महादेव ने नंदन की रिपोर्ट पुराने पुलिस स्टेशन से ले आया था, नंदन दरअसल एक जल्लाद था, और एमी को जिस तरह से फांसी दिया गया है उसी तरह से सेम तरीका से जल्लाद ही लोगों को फांसी देते हैं, इसलिए महादेव जी तब से पुराने फाइल सब चेक कर रहे थे। अभी जगदम्बा को वार्न करने के लिए कस्तूरी उसे फोन करती है और उसे बोलने लगती है कि नंदन ही वो पुराना नरतेंदुआ है, तो उससे दूर रहे। तो ये बात ऑब्वियसली जगदम्बा यहाँ पे यकीन नहीं करती। ये बात सुन के नंदन यहाँ पे बोलने लगता है कि उसने जो भी कुछ किया, मतलब उसने ही सुंदर को मारा और उसने ही वो एमी की लाश जो कि कांति के जीप में था उस लाश को ठिकाने लगाया, और उसको पेड़ से लटकाने से पहले उसको एक क्लॉ से उसके गर्दन में चोट का निशान बना दिया ताकि लोगों को लगे कि नरतेंदुआ ने ऐसा किया है, और उसने जो भी किया जगदम्बा और उसके बेटे कांति को बचाने के लिए किया, और वो उसको फैमिली मानता है और अंदर ही अंदर वो जगदम्बा से प्यार करता है, और 19 साल पहले जितना भी रेप वो किया है और उसने ही किया है। तो ये सब सुन के यहाँ पे जगदम्बा बहुत डर जाती है और अपने आप को एक कमरे में लॉक कर देती है, लेकिन नंदन यहाँ पे वही क्लॉ पहन के जगदम्बा के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे उन लोगों को मार देता है, और काइंड ऑफ जगदम्बा को आराम से समझाने का कोशिश कर रहा था कि वो बुरा आदमी नहीं है, वो जगदम्बा को मारना नहीं चाहता, लेकिन जगदम्बा यहाँ पे बाहर नहीं निकलती, तो पुलिस यहाँ से आए उससे पहले वो जगदम्बा को इधर से लेके जंगल चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं अंगद यहाँ पे उम्मी और कुबेर को पकड़ने के लिए अकेले ही जाता है, कस्तूरी महादेव जी और बाकी टीम ये लोग जगदम्बा के घर जाते हैं और वहां से जंगल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत फाइट चलता है और हम देखते हैं नंदन इस जंगल को बहुत अच्छी तरह से जानता था, यानी कि बहुत अच्छी तरह से छुप छुप के वो सबके ऊपर हमला कर रहा है, और एंड में आके वो महादेव के ऊपर हमला करने ही जा रहा था तब पीछे से आके गोविंद उसको मार के बेहोश कर देता है और ये लोग उसे पेड़ पे उल्टा लटका देते हैं। इधर सीन शिफ्ट के हम देखते हैं कस्तूरी अंगद की मदद करने के लिए और उम्मी को पकड़ने के लिए ये लोग जाते हैं और सक्सेसफुली ये लोग पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा गोलीबारी चलता है और अंगद यहाँ पे उम्मी के आदमियों को मार देता है, तो उम्मी यहाँ पे जंगल की तरफ दौड़ता है जहाँ पे बर्फ गिर रहा था। तो कस्तूरी यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक करके कुबेर को गाड़ी के अंदर लॉकअप कर देती है, और यहाँ पे हम देखते हैं उम्मी अपना जान बचा के पीछे पीछे भाग रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं उम्मी ने अंगद को एक गोली मार दिया, और ये देख के कस्तूरी एक गोली उम्मी के ऊपर चला देती है, तो अंगद यहाँ पे मरा नहीं था, और जैसे तैसे करके वो उम्मी के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है, एटलीस्ट उसका लाश ही बता दे। तो उम्मी यहाँ पे हंस हंस के बोलता है कि उसने अंगद के बेटे को नहीं मारा और उसका बेटा अभी जिंदा है। ये कह के उम्मी अंगद को और एक गोली मार देता है और अंगद वहीं पे गिर जाता है। हमें दिखाया नहीं जाता, वो कन्फर्मली दिखाया नहीं जाता वो मरता है कि नहीं मरता। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक यंग लड़का अभी ड्रग बेच रहा है और खुद का नाम वो रैबिट बोलता है। सो ये कौन है आप गेस कर पा रहे हो, ऑब्वियसली ये अंगद का बेटा है, और ये कहानी सेकेंड सीजन में कंटिन्यू होगा। और यहाँ पे और एक ट्विस्ट आता है और यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जंगल में कई सारे जादुई गुच्छी है जो कि पहला एपिसोड में महादेव जी बोले थे, और यहाँ पे हम एक परछाई देख पाते हैं, और इसको देख के हमें समझ में आता है कि अर्बन लेजेंड इज रियल, यानी कि ये लोग जो नर तेंदुए की कहानी बोलते थे वो सब रियल है। और पानी
में हमें सिर्फ एक परछाई देखने मिलता है जो कि एक नरतेंदुआ की थी। यहाँ पे सीजन 1 की स्टोरी खत्म होता है। बहुत सारे क्लिफ हैंगर छोड़े गए हैं सीजन 2 के लिए। आई होप सीजन 2 जल्द से जल्द आ जाए। तो जब आएगा मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा ही मेहनत करना पड़ा, क्योंकि इस सीरीज में काफी सारे कैरेक्टर्स थे और काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।